हेलो दोस्तों, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? मैं स्वाति आपका इंडिया की रसोई में स्वागत करती हूँ। आज हम सबका फेवरेट टमाटर प्याज का रायता बनाएंगे। टमाटर प्याज का रायता जनरली सबको पसंद होता है। आप इसको बिरयानी के साथ भी खा सकते हैं, आप इसको नॉर्मल डाइट में भी खा सकते हैं, या आप चाहे तो इसको प्लेन भी खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनता है। लेकिन इसमें मेन बात ये होती है कि आप कौन कौन से स्पाइसेस यूज कर रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए टमाटर प्याज का रायता बनाना शुरू करते हैं। टमाटर प्याज का रायता बनाने के लिए हमें सबसे पहले दही चाहिए। ये दही लगभग 250 ग्राम है, ये नॉर्मल मीठा दही है। अब इसको फेंट लें। देखिए दही को फेंट लिया है, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है। अब इसमें बारीक कटा हुआ आधा कप प्याज, इसके अलावा एक चौथाई कप बारीक कटा हुआ टमाटर, आधा चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च। इस हरी मिर्च को मैंने काट के धो लिया था ताकि इसके सारे बीज निकल जाएं और थोड़ा सा तीखापन कम हो जाए। एक चौथाई चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच काला नमक, आप काला नमक की जगह सफेद नमक भी ले सकते हैं, एक चौथाई चम्मच भुना जीरा पाउडर, एक चौथाई चम्मच चाट मसाला पाउडर, ये ऑप्शनल है, एक चम्मच बारीक कटी हुई हरी धनिया। अब इसको डालकर मिक्स कर दें। आप चाहें तो लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। प्याज और टमाटर की क्वांटिटी आपके टेस्ट के हिसाब से है। आपको टमाटर अगर थोड़ा ज्यादा पसंद है तो टमाटर थोड़ा बढ़ा लें, लास्ट में थोड़ा सा हरा धनिया और डाल लें और इसको मिक्स कर लें। देखिए टमाटर और प्याज का यम्मी रायता बनकर रेडी है। इसको अब सर्व करते हैं। आप इसको ठंडा करना चाहें तो थोड़ी देर फ्रिज में भी रख सकते हैं और फिर इसको सर्व करें। देखिए टमाटर प्याज का रायता रेडी है। ये बहुत ही टेस्टी बनता है और ठंडा होने की वजह से ये पेट के लिए भी काफी सूदिंग होता है। इस रायते को आप बिरयानी के साथ जरूर ट्राई करें। एग बिरयानी और वेज बिरयानी का लिंक आप आई बटन में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा और भी फटाफट और स्वादिष्ट रेसिपीज आप मेरी वेबसाइट www.indiakirasoi.com पर जरूर देखें। दोस्तों अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आपने मेरा वीडियो देखने के लिए समय निकाला, आपका धन्यवाद।